so much. Johnny, come. Oh. क्या बोलो, सुना नहीं दे रहा है। क्लोज 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 आपस में। हेलो सर, अरे वेलकम वेलकम, प्लीज प्लीज आइए। आइए आइए सर, नमस्ते सर। अरे सर आइए, बुरा जी आइए ना, पंडित जी नमस्ते जी, साईं साहब। अरे मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ आएंगे। अरे सुना बहुत, ये बता रहे हैं गजब का, गजब की पिक्चर बनी है क्या बात, ये सबसे बड़ी खुशी है। मैं कल आज सवेरे 5 बजे आया हूँ। एक थोड़ा तुषार जी, थोड़ा थोड़ा। अरे मम्मी आप आइए ना, आप आइए। भैया हमारे उरा साहब हैं, प्रोड्यूसर जी, ये हमारे मणि पिंपलगढ़ साहब हैं। आप शायद चला नहीं मुझे सर, मैं थैंक यू। हाँ सर, वेरी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओहो कितना फायदा सर, अच्छा था आपको। आप आने वाले सिक्कम शायद आप तो देश की शोभा है। बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्सेज, मैंने सोचा नहीं था इतनी, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे कई ज़्यादा अच्छी रिस्पॉन्स आई है। और लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है। छत्रपति संभाजी महाराज कितने बड़े आइकॉनिक कैरेक्टर है इससे पता चलता है। और बाकी आज पहला दिन है, पहले दिन के हिसाब से भी बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स आया है। आज ये मेरे सारे इंडस्ट्री के दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे मम्मी पापा सब लोग आए हुए हैं। मेरे लिए बड़ा स्पेशल दिन है क्योंकि 22 तारीख को मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी है और आज ही के दिन मैं मिस्टर वर्ल्ड भी बना था और आज एक दिन मेरी ये फिल्म आ रही है, तो इट्स वेरी ब्लेस्ड डे। या जी राइट भाई, कम बैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर। ऑफकोर्स बहुत सारी चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग था, बट अब आगे मेरी दर्शक, मेरे ऑडियंस मुझे बताएंगे कि मैंने कितना जस्टिफाई किया है। बट आई हैव हैड ग्रेट फन। ऐसा कैरेक्टर करना एक एक्टर के लिए एक बहुत वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। सो आगे मेरी ऑडियंस जाने, अब हमने तो कर दिया हमारा काम। बहुत ज़्यादा आप सोच नहीं सकते, इतना प्रिपरेशन किया।
मुझे कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारे ऐसी ऐसी जगहों पर गया जहाँ छत्रपति संभाजी महाराज एक ज़माने में रहते थे, जाते थे, और उनकी वो एनर्जी लेके आखिरकार समर्पण करके मैंने कहा कि ये महाराज आप ही करवा सकते हैं, मुझसे नहीं हो सकता ऐसे खुद से। तो उनका आशीर्वाद रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद रहा है, जिसकी वजह से ये फिल्म बहुत अच्छी तरीके से बन पाई। बहुत ज़्यादा ये हिस्टोरिक फिल्म है, एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, और मैं ये चाहूँगा कि हमारे ज़्यादातर पीढ़ी ये जो अभी की है, जो स्पेशली जो स्कूल चिल्ड्रन है और कॉलेज के लोग हैं, वो बच्चे ज़रूर जाकर अपनी हिस्ट्री, अपनी कल्चर, उसके बारे में जानें, बिकॉज ये एक अनसंग हीरो है, ये एक ऐसा हीरो है जिसे सेलिब्रेट करना चाहिए। सो आई डेफिनेटली अर्ज ऑल माई क्राउड टू गो एंड वॉच द फिल्म। आइकॉनिक डायलॉग्स तो बहुत हैं, जब धर्म और गौ माता धोखे में आते हैं तब हिंदुओं को शस्त्र उठाना ही पड़ता है। रायगढ़ म्हणजे स्वराज्याचा काळीज आणि काळजावर वार करणाऱ्याचा कोथळा काढायला सक्षम आहे संभाजी, दुश्मनाने एकही पाऊल पुढे ठेवता त्या छाताडच फिरे। थँक्यू सो मच, थँक्यू।
Thank you.
कैमरा नीचे इधर आ कैमरा प्लीज अभी तुम बगा मैडम खाली तो बगा ना खाली तो सब अभी आ गया आ गया आ जा मैं भी गलू शंतु कहीं भी बोल सकता है तो हाँ मोबाइल पीछे पीछे हो जाए ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम एक छोलो दे हाँ जी थैंक यू मुझे अभी तक तो मुझे पता ही नहीं बिकॉज मैं पहली बार अभी प्रीमियर अटेंड करने आया हूँ तो लोगों का रिएक्शन मुझे डायरेक्टर से पता लग रहा है कि मेरे डेथ सीक्वेंस में मतलब या क्राइंग रिएक्ट कर रहे हैं कि उनको बहुत ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ही रियल लग रहा है लोगों को ना तो मुझे अच्छा लग रहा है सुन के अभी मैं ऑडियंस के बीच में अभी तक गया नहीं बहुत डिफिकल्ट एक तो हिस्टोरिकल फिगर प्ले करना बिकॉज आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऐसा कैरेक्टर प्ले करने को तो जैसे मुझे कोंडा जी फर्जंद मिला है तो मैं अपने आप को मतलब बहुत खुश नसीब समझता हूँ मुझे जब तक कि वो महाराजन का बोलते हैं ना जब तक महाराजन का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक ऐसा रोल मिलता नहीं है तो शायद उनकी कृपा है कि शिवाजी महाराजन का आशीर्वाद है माधव कि मला ये रोल मिला है पाइपलाइन में भी एक और है मराठी फिल्म वो भी नेक्स्ट ईयर रिलीज़ होगी एंड वेट कर रहा हूँ उसके बाद वैसे थैंक यू अभी हमने देखी नहीं है अभी हम देखेंगे हमारे जो अनूप जी हैं महाभारत में हमारे साथ हम सब ने साथ में काम किया है ये हमारे महाभारत के प्रोड्यूसर हैं तो हम सब अभी तो अनूप को सपोर्ट करने के लिए आए हैं और हमें पूरा श्योर है कि वो बहुत ही अपनी जान डाल के काम करते हैं और इसमें भी उन्होंने बहुत शिद्दत से बहुत मेहनत से और बहुत ही शानदार तरीके से अभिनय किया होगा अनूप के साथ में काम करके मैं इतना श्योर हूँ कि इस फिल्म में उसने अपनी जान डाली होगी बिल्कुल त्राष्ट जो भी काम अनूप ने आज तक किया है उस पर 100% कमिटमेंट उसका लेवल ऑफ जितना पैशन उसके अंदर है आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि बहुत अच्छा काम किया होगा फॉर सर्टेन हम देखने के लिए आएँ उसके सपोर्ट के लिए आएँ और हमारी टीम में हम एक टीम है तो सपोर्ट प्लीज़
मैं आपको क्वेश्चन ही समझाई, इम्पोर्टेंट होता है इस तरह की कहानियां लोगों तक पहुंचना। नहीं, मुझे लगता है कि हमारे जितने भी वॉरियर्स हैं, भारत के जितने भी वॉरियर्स हैं, उनके ऊपर मूवीज़ डेफिनेटली बनते रहनी चाहिए ताकि जो हमारा यूथ है उससे इंस्पायर हो सके। तो आई एम श्योर ये मूवी देख के भी बहुत हमारे यंगस्टर्स ऐसे होंगे जो भी इनफैक्ट भारतीय होगा वो इंस्पायर होगा। मैं तो इसे एज अ ब्लेसिंग लेता हूँ, आशीर्वाद है ये तो भगवान का। वो आज मौका नहीं है बात करने का, आज खाली मौका है इस मूवी के बारे में और अनूप के बारे में बात करने का। नहीं, नो हिंट फॉर नाउ, थैंक यू। हिस्टोरिकल मूवीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे समाज में, जिससे कि जो नई जनरेशन है उसको बहुत आसानी से फिल्मों के द्वारा समझ आता है कि हमारा इतिहास क्या रहा है, हमारी संस्कृति क्या रही है। मैं जब US में भी होता हूँ तो वहाँ भी जो हमारे इंडियंस हैं, जो भारतीय लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं वो नई हमारी संस्कृति को नहीं पहचान पा रहे या नहीं अच्छे से जान पा रहे, उसके लिए इस तरह की फिल्में बहुत हेल्पफुल हैं और इस तरह की फिल्में बनती रहनी चाहिए। भीम जब मैंने प्ले किया वो एक शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कैरेक्टर है। मुझे नहीं पता कि आगे इससे बड़ा कोई कैरेक्टर मैं प्ले करूँगा या नहीं करूँगा, बट इस कैरेक्टर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। क्योंकि मुझे जो भी लोग मिलते हैं आज भी, मैं ऐसे WWE रेसलर लोग कम पहचानते हैं, ऐसे ब्रह्मास्त्र फिल्म के एक्टर से कम पहचानते हैं, बट ऐसे भीम सभी लोग मुझे पहचानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और नॉट ओनली इन इंडिया, USA में भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे भीम मुझे जानते हैं, पहचानते हैं और प्यार करते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात के। मैं बिल्कुल पूरा बिलीव करता हूँ, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, मेरी संस्कृति है, हमने अपने पूर्वजों से, अपने बुजुर्गों से ये सब चीज़ें सीखी हैं और हम ईश्वर में विश्वास करते हैं। तो हम इन सब चीज़ों में, मैं बचपन से विश्वास करता हूँ और आगे भी हमेशा करता हूँ। पाइपलाइन में बहुत कुछ है, अभी बस WWE फिनिश किया है। पिछले 8 साल से WWE में था, रेसलिंग कर रहा था इंडिया के लिए, अब वापस इंडिया आ गया हूँ तो कुछ प्लान्स कर रहा हूँ, देखते हैं वो प्लान्स कितनी जल्दी और कब तक होते हैं। थैंक यू। जो मुझे लगता है कि जो भारत की हमारी ऐतिहासिक या मतलब माइथोलॉजिकल फिल्में हैं या स्टोरीज हैं वो इतनी बढ़िया स्टोरीज हैं तो वो लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं कि कुछ दिखाना, जितना दिखा उतना कम है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी फिल्में बनती रहेगी तो ऑडियंस को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि आजकल जो भी बाहर हॉलीवुड में जो फिल्में बन रही है वो भी कहीं कहीं ऐसी स्टोरी, तो हमारे इंडिया में इतनी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे संभाजी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, मतलब मुझे भी बहुत कम मालूम था, लेकिन जब मैंने इनके बारे में पढ़ा सुना तो मुझे घूसदम था हर चीज़ में। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि और ये फिल्म के बारे में और इस फिल्म के बारे में जो हमने लुक देखा, टीज़र देखा, तो एकदम सुपर था, बहुत मज़ा आ रहा है। जी, तो ऐसे किरदार करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मतलब लोगों को मतलब आपको उस ज़माने में फील कराना कि हम ऐसे करेक्टर हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे एक्टर बहुत मोस्ट डिफिकल्ट रोल होता है ऐसा करने का। कलयुग में सबके अंदर एक दुर्योधन होता ही है, क्योंकि सब एक अहंकार सब में होता ही है। तो लेकिन हमारी महाभारत से ये सीख मिली कि अहंकार का फल जो होता है वो बड़ा ख़राब होता है, जो दुर्योधन के साथ में हुआ था, तो इसलिए अहंकार नहीं, आराम से प्यार से रहो। बस यही मैसेज है कि अहंकार मत करिए और जैसे सिंपल लाइफ, आराम से रहिए और जो होना होगा, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ऑल द बेस्ट अनूप फॉर संभाजी, थैंक यू सो मच। जी, अभी काफ़ी फिल्में आ रही है, मेरी कनप्पा फिल्म आ रही है जिसमें अक्षय कुमार जी, प्रभास, मोहनलाल सब है, उसमें एज ए मैन विलन कर रहा हूँ मैं, और एक हिंदी फिल्म आ रही तवाई, उसमें मैन विलन हूँ मैं। थैंक यू सो मच, ऐसे आपका प्यार बना रखें। Thank you.
वेट नहीं, लुक कैमरा सर, लुक कैमरा। थैंक यू सर, थैंक यू।